कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर अस्पतालों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन ने शहर के ऑक्सीजन प्लांट पर जिला औषधि नियंत्रक व डॉक्टरों को तैनात कर दिया है, ताकि शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर किसी प्रकार की कालाबाजारी ना हो। डीसीएम रोड स्थित एक निजी ऑक्सीजन प्लांट पर एसटीएन की टीम पहुंची तो वहां पर एम्बुलेंस चालक और ऑक्सीजन सिलेंडर लेने वालों की काफी भीड़ लगी थी। हर कोई अपने सिलेंडर पर मरीज का नाम लिखता नजर आया। पूछने पर पता लगा कि सिलेंडर कहीं चेंज ना हो जाए, इसलिए सिलेंडर्स पर मरीजों के नाम लिखे जा रहे हैं। डीसीएम रोड स्थित एक निजी प्लांट पर तैनात ड्रग कंट्रोल ऑफिसर रोहिताश नागर ने बताया है कि प्रशासन की ओर से हमें यहां पर नियुक्त कर रखा है। मेरे अलावा दो डॉक्टर और तैनात हैं। कोटा के अलावा बारा बूंदी प्रशासन की ओर से जिस तरह की भी डिमांड आती है उनको पूरा किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर सौरभ शर्मा ने बताया है कि अस्पताल के अलावा जो भी यहाँ पर सिंगल पर्सन सिलेंडर लेने आता है, पहले डॉक्टर का पर्चा देखा जाता है कि संबंधित मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है या नहीं। वहीं ऑक्सीजन प्लांट संचालित करने वाले मुकेश कपूर ने बताया है कि प्लांट में करीब 900 सिलेंडर का प्रोडक्शन होता है, जो कि वर्तमान में मेडिकल सेवाओं व अति आवश्यक सेवाओं के लिए ही काम आ रहा है। प्राइवेट इंडस्ट्री में सप्लाई पूर्णतया बंद है। और दोनों में टोटल मिला के जो प्रोडक्शन होता है वो करीबन 900 के आसपास का टोटल सिलेंडर होता है। तो 900 सिलेंडर जो है, टोटल जो 900 सिलेंडर जो है वो अपन मेडिकल में ही सप्लाई करते हैं। और अभी एट प्रेजेंट जो है इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है टोटल ही अपन ने बिल्कुल ही बंद कर रखी है, सिर्फ मेडिकल के अलावा। जितने भी निजी हॉस्पिटल है और बारा और बूंदी की जिस तरह से प्रशासन की तरफ से हमारे पास डिमांड आती है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ से सभी हॉस्पिटलों में सिलेंडरों की सुचारू रूप से व्यवस्था की जा रही है। और पर्टिकुलर पेशेंट भी जो सिलेंडर लेकर आ रहे हैं यहाँ पर फिलिंग कराने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटलों में बेड की व्यवस्था कम हो रही है और डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब किया हुआ है, अपने प्रिस्क्रिप्शन पे ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायर्ड है, उसके आधार पर यहाँ एक एक हमारे यहाँ दो डॉक्टर लगे हुए हैं, डॉक्टर सौरभ जी और डॉक्टर अभिमन्यु जी, और उनको मॉनिटरिंग करते देख करके और किसको रिक्वायर्ड है इसके भी आप उसको ऑक्सीजन की सिलेंडर की व्यवस्था की करवा रहे हैं। लमसम कितने सिलेंडर यहाँ से अभी लमसम कितने जा रहे हैं? यहाँ से सर 900 से लेकर के 1000 के बीच में सिलेंडर रोजाना प्रोडक्शन हो रहा है और इतने ही कंज्यूम हो रहे हैं। यहाँ पर बैलेंस में किसी तरह का कोई सिलेंडर रहता नहीं है, कट टू कट चल रहा है, जितने प्रोडक्शन हो रहे हैं उतने ही हॉस्पिटलों को सप्लाई किए जा रहे हैं। हॉस्पिटल वाइज भी और उनकी डिमांड और उसके वाली, लेकिन आपूर्ति करने में हर प्लांट लगा हुआ है, लेकिन सांसें फूल रही हैं लोगों की भी और प्लांटों की भी। अगर कहीं के मोटर ख़राब हो गई जैसे किसी प्लांट की तो दूसरे पर लोड आ रहा है, लेकिन लोड की आपूर्ति करने में 24/7 ये चल रहा है अभी तो हाल फिलहाल में। और इंडिविजुअल पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं, जो सबसे बड़ी बात है कि घरों में सिलेंडर लगाने के लिए उनको बारीकी से निगरानी करके ही देखा जा रहा है, क्योंकि स्क्रूटनी करके दे रहे हैं कहीं कोई अनजान आदमी कोई गलत आदमी के हाथ में सिलेंडर ना चला जाए। आप किस तरह से जस्टिफाई करते हैं, क्या क्या देखते हैं? उसका प्रिस्क्रिप्शन, उसका सिटी स्कोर, और कोशिश करते हैं अगर कि ज़्यादातर लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है कि वो अपना सेचुरेशन मीटर जो घर पर लगा के रखते हैं, जो प्रमुख डिमांड है घर पर रहने की, उसके हिसाब से उसकी अगर वो 85 से नीचे तो हम तुरंत उसको। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ न लगे उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? वो क्या क्या लेके आए, मतलब क्या सारी जानकारी? प्रिस्क्रिप्शन, एक फ़ोटो जिसमें सेचुरेशन का हो व्यक्ति का फ़ोटो के साथ अगर हो सके तो, और दूसरा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और HRCP, ये तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। जो भी इशू कर रहे हैं डॉक्टर साहब और अपने यहाँ से गैस एजेंसी से उनके थ्रू आ रहे हैं लोग, उनको बिल्कुल। किस तरह की आप व्यवस्था यहाँ पे बना रहे हैं अभी? बिल्कुल आने वालों को लाइन से हैं, जो लाइन से जिनको अलाउ करें उनको आने दे रहे हैं, भीड़ इकट्ठी नहीं होने दे रहे हैं, उनसे कह रहे हैं भाई दूर रहो, मास्क लगा के आओ। कितनी बजे से आप यहाँ पे? सुबह 8 बजे। कितनी पब्लिक आ चुकी है अभी तक लेने के लिए? अब वैसे तो करीबन नहीं बता सकता, 200-300 आ रहे हैं।